हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन फॉर बी इंजीनियर। तो इसरो तरफ से तीन नए जॉब रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, बहुत खास है आपके लिए क्योंकि ऐसा बहुत दिन बाद इसरो ने ऐसे काफी बड़े अमाउंट में पोस्ट रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन में से सबसे पहला जो पोस्ट है उनका टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, जिसमें 56 पोस्ट उन्होंने दे रखा है। सेकेंड है हमारा टेक्नीशियन के लिए, 72 पोस्ट अवेलेबल है। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 80 पोस्ट अवेलेबल है। वन बाय वन कि टेक्निकल असिस्टेंट में, साइंटिफिक असिस्टेंट में कितने पोस्ट, 56 पोस्टेड कैसे कैसे बटे हैं, मैकेनिकल के लिए कितना है। एक्चुअल में जो इसरो ने ये तीन रिक्रूटमेंट निकाला है, तीन नए नोटिफिकेशन दिए, इन तीनों में आप किसी भी बी के किसी भी ब्रांच के हो आप अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा किसी भी ब्रांच के हो आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ एक दो अलग अलग ब्रांचेस भी यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो चलिए देखते हैं ये तीन नोटिफिकेशन आखिर है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस कितनी होगी, सैलरी स्टाइपेंड क्या है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइड में आपको दिख जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेक्शन ड्राइव ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए और दो, अगर जॉब अप्रेंटिसशिप पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे तीन नए नोटिफिकेशन दिखेगा जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर VSSC 3111 है, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। दूसरा भी हमारा 312 विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का ये भी है, और तीसरा भी हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तीनों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो से रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो इसमें से कुछ बीवी बीटेक वाले हैं, कुछ डिप्लोमा वाले हैं, कुछ अदर ब्रांचेस, और इसमें जो ब्रांचेस है वो सारे अवेलेबल है। अगर इसके हम पीडीएफ को अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे एडवर्टीजमेंट नंबर VSSC 311 डेटेड 14/12/2019, ठीक है। तो टेक्नीशियन बी लेवल के लिए है, ठीक है। इसका जो सैलरी होगी आपकी वो 21,700 से लेके 69,100 तक हो सकती है। यहाँ पे पोस्ट देखा जाए तो फीटर के लिए जो जॉब है, फीटर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 24 पोस्ट हैं। कैटेगरी जनरल के लिए आप देख सकते हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार रहा है, आप 10th क्लास पास हो तो चलेगा, आईटीआई वगैरह है तो भी अच्छे हैं, मतलब फीटर से अगर आईटीआई आपने किया है तो आपके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड इसका जो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 20 पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी आप आईटीआई अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन ट्रेड से किया है तो 10th पास है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट के लिए 3 पोस्ट है, यहाँ भी आईसीआई मशीनिस्ट ट्रेड से मांगा है। मैकेनिक मोटर व्हीकल देखा जाए तो इसमें भी आईटीआई 10th पास करके आईटीआई मैकेनिकल मोटर व्हीकल या मैकेनिकल डीजल ट्रेड अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो, 3 पोस्ट इसके लिए है, ठीक है। केमिकल ऑपरेटर की बात करें तो 2 पोस्ट है जिसमें आईटीआई अटेंडेंट ऑपरेटर या केमिकल प्लांट ट्रेड अगर आपने किया है 10th पास हो तो आप कर सकते हो, जाहिर सी बात है आप 10th पास हो तो आईटीआई तो हो गया ही, ठीक है। तो टर्नर के लिए यहाँ भी टर्नर ट्रेड अगर आपने आईटीआई किया है तो जनरली ये जो सारे पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, एमआर एंड एसी हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर, ये पूरे पोस्ट आईटीआई लेवल पे है। तो जो इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर 311 ये फुल ऑन टेक्नीशियन का जो जॉब है, इसमें फुल ऑन आईटीआई, आप आईटीआई से किसी भी ट्रेड से हो, आईटीआई में इतने सारे ट्रेड आप देख ही रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। परमानेंट जॉब है दोस्तों, ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए ड्रॉटमैन, ड्रॉट्समैन के लिए देखा जाए तो मैकेनिकल 6, यहाँ पे भी आईटीआई ड्रॉटमैन से अगर आप हो तो आप 6 पोस्ट अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना, आप डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो इसकी अप्रोक्सीमेट सैलरी बताई जा रही है जितने भी यहाँ पे आईटीआई के ब्रांचेस हैं, 28,800 तक, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि 21 से लेके 69 तक होगा, बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आईटीआई के जितने भी ट्रेड हैं उन सबके लिए 28,800 अप्रोक्सीमेट सैलरी आपको दिया जाएगा यहाँ पे। सेलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हो, साथ में साथ आप पेमेंट भी देख सकते हो। तो देयर विल बी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹100 फॉर जनरल कैटेगरीज, ठीक है। तो ₹100 SC ST आप अगर हो तो आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट। तो जनरली
आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद हो सकता है आपका इंटरव्यू वगैरह लेकर आपको डायरेक्ट करे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि रिटन टेस्ट में जो मार्क्स आपने लाया है वो भी स्किल टेस्ट टाइम में भी वो मार्क्स को कंसिडर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने रिटन टेस्ट निकाला है, बस क्वालिफाई कर लिए हो, स्किल टेस्ट में आ गए हो, तो फिर वो डिपेंड करता है नेक्स्ट स्टेप, आप स्किल टेस्ट में कितना मार्क गेन कर रहे हो, दैट्स फाइनल। ठीक है, तो ये था हमारा एडवर्टीजमेंट नंबर इसरो का 311। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड हमारा है एडवर्टीजमेंट नंबर VSSC 312 डेटेड 14/12/2009। इसको देखते हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 07, तो इसकी जो सैलरी बताई जा रही है यहाँ पे 44,000 से लेके 1,42,000 तक का। तो जनरली इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके लिए बहुत सही है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट नंबर 312 यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से हो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैकेनिकल के लिए देखा जाए तो मैकेनिकल के लिए 28 पोस्ट है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट कैन बी अप्लाई। ओके, तो जनरल के लिए भी यहाँ पे 13 पोस्ट दिख रहा है, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 3। अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में अगर आप आ रहे हो तो प्लीज आप ईडब्ल्यूएस का जरूर से जरूर सर्टिफिकेट लगाएं, काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जनरल को 10% अगर छूट मिल रहा है तो भाई इस्तेमाल करो उसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, 20 पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। केमिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 3 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस से किया तो 2 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और 1 out of 2 वैकेंसी इज बैकलॉग वैकेंसी ऑफ इच्छा। ठीक है ना, ऑटोमोबाइल फर्स्ट क्लास डिप्लोमा अगर ऑटोमोबाइल से किया है तो 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है। ये ओवरऑल ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा हमारा डिप्लोमा पे ही रहता है। ठीक है, डिप्लोमा के बाद इसमें जो साइंटिफिक असिस्टेंट है, पहले हमने टेक्निकल असिस्टेंट देखा जिसमें पूरे का पूरे डिप्लोमा वाले अलग अलग ब्रांच के अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट की बात किया जाए तो फिजिक्स से अगर आपने किया है बीएससी डिग्री इन फिजिक्स तो आप अप्लाई कर सकते हो 1। क्लियर है, इसके कुछ प्रोफिशिएंसी इन क्रिएटिव राइटिंग स्किल इन इंग्लिश एंड मलयालम। ओके, यहाँ पे आपको मांग रहा है कि आपको इंग्लिश के साथ साथ आपको मलयालम भी आना चाहिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। ठीक है, अगला फिजिक्स के लिए यहाँ पे भी बीएससी डिग्री फिजिक्स से मांग रहा, प्रोफिशिएंसी इन एनालिटिकल मेथड एंड कंप्यूटिंग टूल। ओके, मैथमेटिक्स से अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो भी 1 पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री से बीएससी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट की 3 पोस्ट खाली है, जिसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी आप ब्रांच से हो चलता है। साथ में लिखा है फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। ओ, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, अगर आप लाइब्रेरी से मास्टर साइंस किए हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, उसके बाद अगर आगे देखा जाए लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए हो गया। ओके, जनरल नोट, स्पेशल नोट्स, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए वही ऑफिशियल वेबसाइट, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और डिटेल मिल जाएगा, आप वहां से भी इसकी डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारे ओवरऑल जो ट्रेड है अप्रोक्सीमेट सैलरी यहाँ पे 59,000 दिखा रहा है, जो कि हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होने वाला, जैसे इसे पहले बताया, तो 60% क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे, द स्किल टेस्ट विल बी इवैल्यूएटेड ऑन अ 100 पॉइंट स्केल विद मिनिमम 60% फॉर क्वालिफिकेशन। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, दिस पॉइंट। ओके, नाउ पेमेंट की बात करें तो 250 नॉन रिफंडेड एप्लीकेशन फॉर 250 रुपीज है हमारे जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए, बाकी एससी एसटी वाले जो हैं उनके लिए ये फ्री। ठीक है, तो ये था हमारा इसरो का एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर VSS 312, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट के बारे में हम देखा। अब हम थर्ड नोटिफिकेशन पे मूव करते हैं। इसका जो थर्ड नोटिफिकेशन देखोगे एडवर्टीजमेंट नंबर VSSC 313, तो इस नोटिफिकेशन को देखा जाए तो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एसडी लेवल का 67,000 से लेकर 2 लाख तक इसकी सैलरी अप्रोक्सीमेट बताई जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ठीक है, साइंटिस्ट इंजीनियरिंग लेवल के लिए पीएचडी अगर आपने फिजिक्स से किया है या एमएससी किया है और इक्विवेलेंट फिजिक्स से तो आप 1 पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी इन फिजिक्स या पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स वगैरह से किए हो तो आप साइंटिस्ट पोस्ट के लिए जनरली है तो 5 पोस्ट है, आप अवेलेबल कर सकते हो। पीएचडी इन एरोस्पेस में किए हो तो आप 3 पोस्ट यहाँ पे हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। बी बीटेक और इक्विवेलेंट इन एरोस्पेस से किए हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पीएचडी बी बीटेक
इक्विपमेंट अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से आपने किया है तो अप्लाई कर। यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट का यहाँ पे इसरो ने इक्विवेलेंट का जनरली मीनिंग से होता है कि इसके अलावा और भी ब्रांचेस कर सकते हैं, बट ऐसे इस बार मैकेनिकल के लिए काफी जब बार यहाँ पे इसरो ने यूज किया तो यहाँ भी इक्विवेलेंट जहाँ भी दिखा रहा है वहाँ मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बीई बीटेक इक्विवेलेंट, पीएचडी डायनेमिक मॉडलिंग से किया, बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से किया तो एक पोस्ट इसके लिए भी है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो डिटेल वगैरह है ये सब आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंटिस्ट इंजीनियरिंग लेवल के लिए 10 पोस्ट है जिसके एमई एमटेक वालों के लिए, या बी बीटेक किए हो आपने, मीन्स एमई एमटेक के साथ बी बीटेक भी, मतलब बी बीटेक करने के बाद एमई एमटेक किए हो तो आप 10 पोस्ट है आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली ये भी है, बी बीटेक करने के बाद एमई एमटेक किया है तो आप 7 पोस्ट है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एम ई एम टेक के बाद ये भी सब बी बी टेक के साथ साथ एम ई एम टेक आपने किया है तो ये सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एमएससी वाले के लिए भी है, एमएससी अगर आपने किया है मैथमेटिक्स से तो उसके उनके लिए भी 4 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कर सकते हो। बी इक्विवेलेंट या केमिकल इंजीनियरिंग से ये जो पोस्ट है, पोस्ट नंबर 1467, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर वाले स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और हमारा जो ये जो दोनों है इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई नोट कर सकते हो, कर सकते हो तो कर लो, 1467 और 1468, ये दोनों और 1469, ये तीनों के लिए मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ठीक है, इसका भी क्वालिफिकेशन देखा जाए। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो मेडिकल नंबर पोस्ट कोड 1470 में एक पोस्ट है जिसमें एमडी इन जनरल मेडिसिन अगर आपने किया है, एमडी तो चलेगा, कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर सेकेंड लेवल का देखा जाए तो पोस्ट कोड 1471 में, तो नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। ठीक है, एमबीबीएस अगर आपने किया है तो उनके लिए जनरली, तो इसमें भी अगर देखा जाए कैसे अप्लाई करना है तो ये अप्लाई लिंक दे दूंगा मैं, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखा जाए तो सैलरी देखा जाए तो इंजीनियरिंग की 90,000 सैलरी होगी, साइंटिफिक इंजीनियरिंग एससी में 74,000 सैलरी है, मेडिकल ऑफिसर एसटी में 1 लाख के आसपास, और मेडिकल ऑफिसर एससी में 85,800। सही है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको रिटन टेस्ट देना होगा, रिटन टेस्ट के साथ साथ जनरली यहाँ पे यही कह रहा है कि आपने अगर फॉर्म जितना भी लोग रेस्यू में फॉर्म भरा है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ज्यादा लोग फॉर्म भरे अगर भरे होंगे तो मार्क्स वाइज उसको एक तरफ करके फिर उनका स्क्रीनिंग टेस्ट या रिटन टेस्ट लेके आगे काम कर सकते हैं। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द इंटरव्यू ओनली, जनरली ये सिर्फ एक प्रोसेस है, अगर ज्यादा बच्चे अगर आ गए तो रिटन एग्जाम के थ्रू उनको कुछ मैक्सिमम बच्चे को आगे भेजा जाएगा, बट अगर जो भी पोस्ट अवेलेबल इसके अंदर में अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं तो उनके साथ हो सकता है कि उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठाया जाए, और जो भी प्रोसेस है डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे, यहाँ पे आपने क्या मार्क्स स्कोर किया है रिटन एग्जाम में वो सब पे डिपेंड नहीं करेगा, आपने इंटरव्यू में कितना कमाल किया है सिर्फ वही जरूरी है। यहाँ एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज है जनरल ओबीसी वालों के लिए, बाकी एससी एसटी वाले जो भी हैं, एक्समेन सर्विसेज मैन है, बीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पे फॉर्म फ्री है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई करते हैं, जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई कर सकते हैं। ये तीन इसरो की तरफ से बहुत बेहतरीन नोटिफिकेशन, अब तक का सबसे ज्यादा पोस्ट इसरो ने अभी लॉन्च किया है इस साल में। ओके, सो गाइस आशा करता हूँ आपको ये सारे नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं भी आपको छोटी सी जगह पे भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर क्वारी का जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। सो गाइस फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही नए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ठीक है।